वेलकम बैक गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। अच्छा बात करूंगी ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी में आप लोग डिफरेंट जो आज मेरी आवाज में मुझे लग रहा है मेरी आवाज डबल आ रही है मुझे ना इसमें नहीं मेरे अपने थोड़ा थॉट्स में प्रॉब्लम हो रही गले में। अच्छा ये सॉरी माजरत वो कुछ बहुत ही नेचुरली जनरली गुफ्तगू में हर बात मैं कर लेती हूँ अब मैं एहतियात करूँगी। माजरत इसलिए करी कि मेरी आवाज़ आपको शायद क्लियर ना जा रही हो थोड़ा मेरा गले में वायरल हो रहा है। अच्छा जी बात हम करेंगे डॉक्टर्स की ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो में कुछ हेल्थ कंसल्टेंट मेरे इनविटेशन पे आते हैं तो आज मैं कम बोलूँगी मेरे गेस्ट से उनसे ज़्यादा गुफ्तगू जारी सारी रहेगी तो यहाँ पर मैं मिलवाती हूँ ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ होम्योपैथिक्स डॉक्टर मैंने जो है यहाँ पर स्पेशली इन्वाइट किए हैं और तीन डॉक्टर हैं और ख़ास तौर पर वो सोशल वर्कर से सोशल वर्किंग से कनेक्ट है उनका कनेक्शन है क्योंकि वो कैंपेन वगैरह करते हैं लोगों को अवेयरनेस जनरेट करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री लोगों को अवेयर करना चाहे शुगर की प्रॉब्लम हो या बोन्स प्रॉब्लम हो किसी तरह की भी क्योंकि जनरल अवेयरनेस देना बहुत अच्छी बात है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये और भी पॉजिटिव और ये सदका ही जा रही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मेरे जो हैं लेफ्ट हैंड पे बैठे हैं डॉक्टर ज़िया फारूकी हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और सोशल वर्किंग में भी उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़िया साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी हमारे और भी गेस्ट हैं उनसे मिलवाते हैं फिर आपसे बात जारी हो सारी रखेंगे। मेरे राइट हैंड पे बैठे डॉक्टर सैयद सदाकत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब होम्योपैथिक डॉक्टर एंड सोशल वर्कर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया मुझे बहुत खुशी है आपके प्रोग्राम में बहुत देखता था शौक से बहुत थैंक यू। क्या बात है जी क्या बात है ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब हैं और ये हैं होम्योपैथिक डॉक्टर फैमिली फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब। कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया बल्कि आपका कि आज आपने इनवाइट किया आपके इन्विटेशन मौजूद हैं। जैसे डॉक्टर सदाकत ने कहा है कि हम वो हैं जो आपके प्रोग्राम को बड़े शौक से देखते हैं और बल्कि आपका जो बोलने का स्टाइल है और बात करने का स्टाइल है वो बहुत ज़बरदस्त बड़ा बड़ा फ्रेंकली टाइप का है और जैसे भी आपकी आवाज़ जो डबल साउंड में आ रही है ना इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ये बहुत अच्छा इन्होंने वैसे लग रहा है मेरी आवाज़। जी हाँ आपको इस वक्त जो थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपको होगी बहुत ज्यादा और जो बोलने में ऐसा होगा डबल साउंड थोड़ा रेस्टलेस मतलब मैंने रेस्टलेस होने से ज्यादा थोड़ा हुआ है तो कल मैंने जरा सा ज्यादा और फिर आउटडोर आपको पता है डिफरेंट जगहों पे जाना और फिर वो हवा ऐसी होती कुछ पानी कोल्ड ड्रिंक के दो घूट पी लिए चलिए जी लेट्स सी हम लोग गुफ्तगू करते हैं। ज़िया साहब आपने कहा मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ तो क्या रेलिवेंट टू योर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या आप आपकी जो फील्ड है उससे आप लोगों को कैसे अवेयर करते हैं? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले डॉक्टर ज़िया फारूक की उम्मीद करता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे और आपका जो सवाल था कि बेसिक हम लोगों का अवेयरनेस देने का तरीका क्या होता है इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बेसिकली हम लोग एक एनजीओ से जो है वो एसोसिएट हैं और उस एनजीओ के रेफरेंस से डिफरेंट मेडिकल कैंप्स होते हैं और उस कैंप्स के अंदर जो है वो शुगर के हवाले से और डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से इंडिविजुअल कैंप्स भी होते हैं और साथ साथ हम लोग सोशल अवेयरनेस के हवाले से बड़ा काम कर रहे होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर वायरल डिजीज़ के ऊपर और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है पब्लिक को अवेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि लास्ट आपने देखा होगा अभी जो एक एरा चल रहा था वो EPI का चल रहा था एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर पोलियो उसके हवाले से काफ़ी वर्किंग हुई है। अभी लास्ट हम लोगों का डिफरेंट NGOs डिफरेंट लेबॉरटरीज डिफरेंट फार्मास से कोऑर्डिनेट करते हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो सोशल अवेयरनेस के ऊपर भी होते हैं हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर भी होते हैं। हमारा अलमिया ये है सबसे बड़ी बात कि आज सबसे पहली चीज़ मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि जो पेशेंट हम लोगों के पास रिपोर्ट करता है ना वो सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन पे आ रहा होता है। लाइक अभी जो आपको एक वायरल नॉर्मली चल रहा है थ्रॉट के हवाले से अब पेशेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट कर रहा होता है सबसे पहले क्या सेल्फ मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन के बाद फिर वो मेडिकल स्टोर पे जाएगा मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेगा फिर जो है वो चचा ने कुछ बताया फुप्पो ने कुछ बताया यानी सारी रेमेडीज सारी जो एक अपना कंक्लूजन निकाल के देन डॉक्टर के पास जब वो पेशेंट रिपोर्ट कर रहा होता है और आते ही सबसे पहले डॉक्टर के लिए चैलेंज पता है क्या होता है
डॉक्टर साहब वेरी नेक्स्ट डे मेरा ये इवेंट है, मेरा पेपर है, मुझे 4 दिन हो गए, मुझे 6 दिन हो गए. मेरा ताल्लुक जो है वो बेसिकली स्किन और डर्मा के सेगमेंट से है. यूजुअली मेरे पास जो पेशेंट रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और डर्मा एक ऐसी फील्ड है कि इसमें बड़ा लॉन्ग टर्म थेरेपीज भी होती हैं, और लॉन्ग टर्म थेरेपीज़ के साथ साथ उसमें बड़ा बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं. स्किन के हवाले से अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे हैं, तो यूजुअली कॉमन एक जो हर बंदे के मुंह पे एक बात होती है, एक्ने का इशू, सही है. अच्छा, पेशेंट जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट कर रहा होता है ना साहब, तो वो मल्टीपल डिजीज़ के साथ रिपोर्ट कर रहा होता है. लाइक इनिशियल स्टेज के अंदर वो बैक्टीरिया, अच्छा एक्ने की भी बड़ी टाइप्स हैं, बैक्टीरियल एक्ने अलग है और बहुत सारी इसकी एक टाइप्स है ना. अब पेशेंट जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट कर रहा होता है ना, आप उसकी अगर हिस्ट्री पूछेंगे तो वो पूरी एक आपको बहुत लंबी लिस्ट बता देगा. अरे सर, फर्स्टली तो मैंने होम रेमेडीज की थी. अच्छा, होम रेमेडीज भी टारगेटेड नहीं की थी. अच्छा, उससे रेलिवेंट नहीं की थी. वो मैंने वहाँ पढ़ा था आर्टिकल, उसको फॉलो अप किया. गूगल बाबा उसके अलावा भी. अच्छा, गूगल पे मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कहूँगा, गूगल पे बहुत अच्छी चीज़ हैं, लेकिन हम लोगों का अलमिया यह है कि हमें बेसिक कंटेंट नहीं पता होता कि हमने सर्च करना क्या है. सेकंड थिंग, जब तक डायग्नोसिस नहीं है, अगर मेरे फेस पे एक दाना निकल आया है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्ने ही हो. अल्लाह, कोरोना में तो का सनाब के पत्ते, वो जो 10 रुपए के इतने सारे मिलते थे, वो 700 रुपए किलो, और क्या क्या उसकी प्राइसेस थी. मैं हैरान, मैंने कहा उसकी वैल्यूज बढ़ा दी लोगों ने, जब बताया ना ये काम के हैं, तो उनकी वैल्यूज बढ़ गई. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और अक्सर वेशतर हम लोग जो चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं. अभी मैं अपना एक पेशेंट का स्टोरी शेयर करूँ. मेरे पास एक पेशेंट रिपोर्ट हुई आई, उसके फेस पूरा, एक तो एक्ने, सेकेंड स्कार्स, एक्ने स्कार्स, बॉक्स स्कार अलग, सारी चीज़ें. अच्छा, सेकेंड थिंग, अब वो गई पॉलर में. अच्छा, पॉलर वाले भी और उसके बाद उसने वहाँ ट्रीटमेंट लिया. ट्रीटमेंट लेने के बाद जब वो मेरे पास पेशेंट आई है, उसके 2 दिन रह गए थे डॉक्टर साहब, उसको मायू बैठना था, उसके फेस पे इतने मोटे मोटे 2-3 दाने. अच्छा, सेकेंड थिंग, जो ब्लीच किया था उससे पूरा फेस रिएक्ट हो गया. अब वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है नॉर्मली हम लोगों की प्रैक्टिस के अंदर. अब पेशेंट आया, उसकी डिमांड है, डॉक्टर साहब मुझे परसों मायू बैठना है. सर, आपने कहा नहीं कि आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, मतलब मुझे लगता है कभी कभी, और अल्लाह पाक पता नहीं कहाँ से साबिस दिमाग में डाल देता है चीज़ें. सही बात. सीरियसली, जब आपके पास पेशेंट आ रहा होता है, डॉक्टर साहब मेरी बात से एग्री करेंगे, जब आपके पास पेशेंट आके बैठता है, वो अपनी तमाम चीज़ें बता रहा होता है, आपकी एनालिसिस चल रही होती हैं, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो एक तजुर्बा है वो चल रहा होता है, और पेशेंट को आप देख के जज कर रहे होते हो फिजिकली, मेंटली, और जेस्चर क्या है उसका. अच्छा, होम्योपैथी के हवाले से यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, तो होम्योपैथी में भी बड़ा ही इसका एक अहम रोल है कि पेशेंट के डिजीज़ को जज करने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी जज करना ज़रूरी है. ना सिर्फ डिजीज़ को, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी बड़ा जज किया जाता है. इसी तरह जब पेशेंट रिपोर्ट करता है, तो बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें लेकर आपके पास आ रहा होता है, एक डिजीज़ के साथ मल्टीपल डिजीज़. लाइक अभी आपको थ्रॉट इन्फेक्शन है, सही है, इनिशियल स्टेज के ऊपर आपने मेडिकेशन नहीं करनी, सेल्फ मेडिकेशन करनी है, सही है, और रेमेडीज़ वो परफॉर्म करनी है जो 100% आपको नहीं आइडिया कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, सही है. बहुत सारी यूजुअली हम लोगों की ऐसी रेमेडीज़ हैं, लाइक गॉगल गरारे करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप किसी डॉक्टर से कंसर्न करके, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, ऑन एंड ऑफ रेनी सीज़न है, सही है, अभी आप बाहर भी निकल रहे हो तो बकरीद के बाद ताफ़ुन का सीज़न है, सही है. आप अभी तक कराची का अलमिया यह है कि यहाँ पर आलाइशें रोडों पर बिखरी पड़ी हैं, आप अभी जब ट्रैवल करके आते होगे. मैं ज़िया साहब की बात को अंडरस्टैंड यूँ कर रही हूँ कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, तो बिहाइंड एक लंबा प्रोसीजर होता है जो हमारे, हम क्लिक नहीं कर पाते कि बेसिकली प्रॉब्लम हमें कहाँ से हुई है, क्या हमारी अपनी मिस्टेक से हुई है या रोड से हुई है, कहाँ से हुई. जब ये हमारी
नॉलेज में आ जाए तो हम उस बीमारी को ईजिएस्ट जो है पकड़ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बराबर में सैयद सदाकत अली साहब बैठे, सोशल वर्किंग, हम किसी को कैसे अवेयर कर सकते हैं? रुख साहब, आप तो माशाल्लाह मोटिवेशनल लोगों को जो है अवेयर करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत एक मुश्किल काम है, और जो मैंने अपना सोशल वर्किंग का काम जो स्टार्ट किया वो इस वजह से लिया कि एक माशरे की बुनियाद जो है ना वो हेल्थ और एजुकेशन पे, यानी कि आप कहना चाहते हैं सिविक सेंस। बिल्कुल, ओके गुड। तो मैंने फिर उसको देखा कि ये दो चीज़ें जो है ना बहुत अहम है, इसी हवाले से मैंने जो अपना वेलफेयर का जो वर्किंग का काम स्टार्ट लिया वो हेल्थ से लिया, ताकि उसमें हमने बेसिकली मेडिकल कैंप्स और उसमें दवाओं का देना है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, दवाएं भी वो देनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी की हैं, ताकि एक बंदा जो मजदूर दिहाड़ी पे काम करता है, जिसकी दिहाड़ी 500-800 रुपये है, अगर उसके घर में कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई बाप, कोई वालदा, या वो ख़ुद अगर बीमार हो जाए, तो वो इतनी दवाएं या इतने डॉक्टर की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो यकीनन वो रह जाता है। जैसे भी डॉक्टर ज़िया सर ने फरमाया कि वो पहले अपनी सेल्फ मेडिकेशन और इस तरह के नहीं जा पाता, क्योंकि एक प्रॉब्लम पैसों की भी हवाले से आ सकती है, और वो बेचारा फिर खामोशी अख्तियार करता है और देखता है कि अगर वैसे ही ठीक हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो बाद में फिर। तो फिर मैं, हमने इसको जज किया और हमने फिर हेल्थ और एजुकेशन का बेड़ा उठाया। हम बहुत थोड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, मगर माशाल्लाह से हमने कराची भर में कोई एक कोविड से पहले एक साल में हमने 200 कैंप अरेंज किए। एक जनरली सवाल ये है, अभी तक जब इतने सारे आपने कैंप लगाए और लोगों के साथ कनेक्शन में आए, कौन सी ज़्यादा प्रॉब्लम थी? फाइनेंशियली तो होती है, लेकिन बेसिकली ज़्यादा लोग किन बीमारी का शिकार होते हैं? और ये भी बताएं कि एज फैक्टर क्या होता है, अंडर 18, अंडर 6 या अबव द 20? अच्छा, मुख्तलिफ एरियाज होते हैं जो टारगेटेड हमारे होते हैं, जैसे सुरजानी है, औरंगी है, मली लांडी, मुख्तलिफ सरजानी, औरंगी, मली, कुरंगी जो। अच्छा, वहाँ पे अब क्या है कि कहीं पे पानी का इशू है, ठीक है, ठीक है ना जी, अब गंदा पानी है, डायरिया, तो डायरिया है, टाइफाइड की है, ठीक है ना, स्किन डिजीज है। हमने बेसिकली बहुत सारे कराची के अंदर और सेंट्रल जेल में और पाकिस्तान नेवी के साथ, हमने पाकिस्तान आर्मी के साथ भी हमने कैंप्स लगाए हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ एक ग्रुप बना लेते हैं। अब देखें, हम तो डॉक्टर्स की टीम तो हमने बना ली, ठीक है, अब उसके साथ हमें पता है कि आँखों के जो मोतिया के ऑपरेशन है, जो एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमने उसकी भी टीम बना ली, और हमने डेंटल, आई और स्किन डिजीज़ और फ्री अल्ट्रासाउंड अपने कैंपों में। good. आप देख सकते हैं कि 1800 से लेके 1500 रुपये तक का अल्ट्रासाउंड होता है, डॉक्टर साहब बैठे और आपने कॉम्प्लीमेंट्री फ्री अल्ट्रासाउंड, बड़ी बात। इससे कि जब हमने काम का उसको स्टार्ट लिया, अली साहब की आप कैसे लोगों को बताते हैं? देखिए, कोई चीज़ होती है ना, उसकी प्रमोशन होती है किसी भी चीज़ की। अब एक बंदे को कोई डिजीज़ है और वो अचानक उसे पता चलता है कि मेरा जो है ये यहाँ पर कैंप लगा हुआ है और मुझे जाना है, और किसी को नहीं पता, उसको बाद में अफसोस हो, तो अब इनिशियली कैसे वो लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर कैंप लगने वाला है, या वहाँ कोई ब्रांडिंग की जाती है कि फलानी डेट को आप लोग आएँ और अपना चेकअप करवाएँ? असल में हमारे जो कैंपिंग का होता है, पहले तो हम इलाका टारगेट करते हैं, गुड, सर्वे हमारे पास जो टीम हमारी अपनी मौजूद है, ओके, हम एरिया टारगेट करने के बाद फिर हम जो है ना उसमें वहाँ पे यकीनन मस्जिद भी होगी, वहाँ पे शॉप्स भी होगी, वहाँ इलाके के मौजूदीन भी होंगे, उनको हम टारगेटेड करते हैं। उसके अलावा हमारी जो टीम्स हैं जो पहले सर्वे कर चुकी होती हैं, वही फिर हमारी टीम जाती हैं घर घर जाके बताती हैं, ऑन अबाउट 200 हाउसेस को उसको किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा डोनर है वो हमें मेडिसिन देता है मल्टीनेशनल कंपनी की, जो अच्छी खासी एक्सपेंसिव है, और वो हमारा काम है कि हर पेशेंट तक पहुँचाना, ओके, और वो हमें बहुत खुशी होती है। बाज़ात ऐसा भी हो जाता है कि हमारे कैंप्स ख़त्म हो जाते हैं और पेशेंट्स की कॉल आती है, तो हम उनके घर पे भी मेडिसिन पहुँचवा। बड़ी बात है सर ये, तो आप ना सिर्फ अपने जो अल्लाह पाक ने आपको मुंतखब किया है, लोगों को जो अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को हेल्पिंग हैंड बन रही है, ये सदका ये जा रहा है। अच्छा जी, आपके बराबर में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, होम्यो फिजिशियन है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे सब बात कर रहे हैं और डिफरेंट बीमारियाँ जो होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं लोग दवाइयाँ खा खा के तंग आ जाते हैं और कहते हैं यार, मतलब मना नहीं है, ऑफकोर्स फर्स्ट एड एलोपैथिक बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ जो कंटिन्यू होम्योपैथिक मेडिसिन से
और रिलीव हो जाता है, ऐसा है कि नहीं? देखें, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा होम्योपैथिक, व्हाट इज होम्योपैथिक। ठीक है, होम्योपैथिक इज अ सिम्टोलॉजी, सिम्टोलॉजी। होम्योपैथिक डजंट डिपेंडेंट ऑन डिजीज। होम्योपैथिक जो है सिम्टम पे काम करती है। लाइक लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं वो बहुत देर से असर करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं वो भी उसी तरह से असर करती है जैसे एलोपैथी की मेडिसिन असर करती हैं। वजह उसकी ये है कि लाइक अभी आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, इसकी वजह ये है कि आप रेस्टलेस हुई हैं, आप रेस्टलेस हुई हैं, तो ये एक्यूट केसेस है। एक्यूट केसेस है जिसकी वजह से अगर एलोपैथी की वजह आते हैं वो तो उन्होंने एथ्रोसिन जो भी उनकी एंटीबायोटिक देनी है, लेकिन हम अगर सिम्टम पर जाते हैं तो इट्स मीन्स आप रेस्टलेस हुई हैं तो उसकी मेडिसिन कोकोलेस है। आप 3 खुराकें 2 खुराकें खाएं, आपके ये थ्रोट इन्फेक्शन रिलीव हो जाएगा। हमें डिपेंड थ्रोट इन्फेक्शन से नहीं है, हमें आपके रीज़न ऑफ डिजीज से। जब आप रीज़न ऑफ डिजीज पे आते हैं तो फिर आप क्योर होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथी की दवा जो है वो मुकम्मल क्योरेबल है। लाइक शुगर की शिकायत, डायबिटिक, मेरा ज़्यादा जो है काम है डायबिटिक पे है, क्योंकि डायबिटिक है और हाइपरटेंशन है, ये जो चीज़ें, इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। मैनेज करने का मकसद ये है कि आप डाइट पे मैनेज करें और जो इसके अलावा जो है अपने आप को थोड़ा सा लिविंग स्टाइल को अपना चेंज करें, फड़ी की वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, तो फिर उसके बाद है कि फिर दवाइयाँ अगर आप एलोपैथिक लेते हैं तो उसने भी पूरी ज़िंदगी खानी है, होम्योपैथिक भी नहीं खानी है पूरी लाइफ। लेकिन होम्योपैथिक की दवाइयों में किसी किस्म का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जो आपके किसी और ऑर्गन को डैमेज करें। तो इसलिए कहा जाता है कि होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है नुकसानदेह नहीं है। तो इसका मकसद नहीं कि आप जाके काउंटर मेडिसिन ले लें, जैसे एलोपैथिक बुखार हुआ जाके आप काउंटर मेडिसिन ले लिया आपने, जैसे डॉक्टर जे ने कहा कि काउंटर मेडिसिन बहुत है, उस पर भी आपने बहुत मुस्कुराते हुए रिलाया कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ और जाती हूँ। अभी मौसम चेंज हो रहा है, ये अक्सर बोलते कहते हैं कि सावन का महीना है, कुछ बारिश रुक जाती है, कभी होती है, गंदगी भी हो रही है, मक्खियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम जस्ट लाइक मी बहुत कमजोर होता है, तो कुछ भी ऐसी चीज खाएं और फौरन इफेक्ट होता है, बुखार हो सकता है, वायरल हो सकता है, तो हमें इस महीने से कैसे सेव होना चाहिए? जैसे अभी लास्ट टाइम हमने बहुत पूरी दुनिया ने एक बहुत ज्यादा फेस करा कोरोना को, ठीक है ना, यूज्ड हो गए। अच्छा, वो ममालिक इत्तेफाक की बात है कि बहुत कम इफेक्टेड हुए जिनके यहाँ ये सारे गंदगी बहुत सारी चीज़ें थी। तो यूरोप में देखिए बहुत सारी डेथ हुई, बहुत सारी ज़्यादा हुआ। हमारे यहाँ लोगों की इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई कि हम उसको बेयर करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इन कराची, स्पेशली कराची का माहौल बहुत ज़्यादा, ड्यू टू इसलिए चुप हो गई, ठीक है ना। तो कराची की सिचुएशन बहुत ज़्यादा, अभी भी जो हालात हैं वो बकाया जात जो हैं कुर्बानी के वो रोड पे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि आपको जल्दी चीज़ें अफेक्ट हो रही। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये है कि हम इससे कैसे बच जाएं? बिल्कुल, आपकी इम्यूनिटी पावर को एनहेंस करने के लिए हमारी आर्सेनिकलब सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। ओके, जो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी, अगर आपको इम्यून सिस्टम कमजोर होगा हर चीज़ आपको अफेक्ट होती है। बिल्कुल ऐसे। इसके साथ साथ एक हमारी जो हमारे बॉडी में 12 सॉल्ट्स काम कर रहे हैं, जिसमें वो तो लंबी डिटेल है, जिसमें काले फॉस, कलग्रे फॉस, मैग्नीशियम फॉस, ये सारी चीज़ें फॉसेज हैं, उसमें 2 फॉस ऐसी हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत फ्रिक्वेंटली एनहेंस करती हैं, जैसे हम कहते हैं काली फॉस और कलग्रे फॉस। ये वो मेडिसिन से अगर कोई शख्स रोज़ाना 200 में एक खुराक ले ले तो मेरे ख्याल में उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि वो इतनी जल्दी किसी भी डिजीज़ को किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं कर सकती उसको। तो ये हमारी फर्स्ट जो मेडिसिन है जिससे हमें फर्स्ट एड भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जितने भी होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो उसको फॉलो करते हैं, और उन्होंने इस सिलसिले में कोरोना में बहुत जैसे डॉक्टर मौजूद हैं जिन्होंने कहा मेडिकल कैंप लगाए, ये मेडिकल कैंप के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल हुई और ये मेडिसिन दी गई जिससे इम्यून पावर उनका स्ट्रॉन्ग हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से क्रेडिट गोज़ टू गवर्नमेंट ऑफ PDI, बिकॉज दैट टाइम इज गवर्नमेंट PDI की गवर्नमेंट थी, तो ज़्यादा था क्या कहते हैं इमरान खान की तरफ, लेकिन जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने अपना रोल अदा करा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। जो ये कहते थे कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत देर से असर करती, ऐसा नहीं था, और उसे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और हम ये कहते हैं कि होम्योपैथिक को ज़रा आप ले के तो आएँ सामने,
जब आपको पता चलेगा होम्योपैथी की मेडिसिन के अंदर जो एक्यूट और क्रोनिक डिजीज दोनों के लिए बड़ा फ्रिंगर है। ये तो मैं एडमिट करती हूँ बिल्कुल, और हर जो है ना फील्ड में देखा जाए तो हर, मैं ये नहीं कहूँगी एलोपैथिक अच्छा नहीं है या हर्बल नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक जो है विदाउट एनी साइड इफेक्ट और ईजीएस्ट स्लो ज़रूर है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी ज़िया साहब, ये बताइए जिस तरह क्योंकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और हम लोग अगर हम सिर्फ बीमारियों की बात करें तो ब्यूटी की बात करें तो ब्यूटी में सिर्फ खाने की नहीं लगाने के भी बहुत सारी प्रोडक्ट होंगे। बिल्कुल, इवन जो हम लोग फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, आज के आपके प्रोग्राम के तवज्जो से सबसे अहम पैगाम, अभी तकरीबन फ्रूट मार्केट में अवेलेबल है जी जी, और सबसे बेस्ट रेमेडी आज के लिए आपके प्रोग्राम से तवज्जो से, आप जो भी फ्रूट खा रहे हैं जी, मिसाल के तौर पे मैंगो आप खा रहे हो, वो अपने फेस पे भी अप्लाई करो, अपने हैंड्स पे भी अप्लाई करो, और उसके साथ साथ अपनी बॉडी पे अप्लाई करने के बाद 10-15 मिनट्स उसको छोड़ दो, उसके बाद लाइटली स्क्रब करो लाइक अ क्रीम लाइक अ स्क्रब, और उसके बाद टैप वाटर से सादे पानी से आप उसको वॉश आउट कर दो। इसी तरह डिफरेंट जितने भी फल फ्रूट मौजूद हैं, लेमन है, लेमन जूस है, स्किन में बड़ा ज़बरदस्त उसका एक रोल है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, वाइटामिन सी से भरपूर है, साइट्रिक फ्रूट है, साइट्रिक्स मौजूद हैं तो बहुत अच्छा एक ब्लीचिंग का काम अच्छा, भी कर रहा है। ये जो आपने कहा ना साइट्रिक फूड है, मैं बहुत क्लिक करती हूँ कि विटामिन सी बिल्कुल, जो तमाम ऐसे जैसे लेमन में कुछ लोग कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव चीज है तो हम कैसे इनटेक करें, आप लीमू में बहुत है, आलू बुखारे में मौजूद है, तो आप ऐसी चीजें जो जरा सी जिसमें थोड़ी खटास भी होती है, अभी स्ट्रॉबेरीज आ गई ठीक है जी, बेरीज में हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन लेमन अगर, और कौन सी ऐसी चीजें जिसमें विटामिन सी हो सकता है, मैं बहुत लेती हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊँ आज बनाना, बनाना के अंदर रिच क्वांटिटी मौजूद है वाइटमिन, पोटेशियम भी है उसके अंदर, पोटेशियम मौजूद है और वो सबसे बेस्ट। अच्छा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से आज मैं एक बड़ी जबरदस्त बनाना की रेमेडी भी बताता हूँ। बनाना को अगर आप थोड़ा सा पील करके और बिल्कुल एक छोटा सा पीस लेके उसको स्पून से ही मैश करें, मैश करने के बाद उसके अंदर ओट्स जो होते हैं, अच्छा जो जो ओट्स, हाँ जो ही ना, हाँ जो ही, गलत तो नहीं बोल रही हूँ, नहीं ओट्स का जो 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 है उसको लाइटली पाउडर क्रश फॉर्म में ले लें या किसी भी कंपनी का जैसे ये फ्लेक्स मिलते हैं ठीक है, वो आप लेके क्रश हल्का सा लाइटली करके उसमें लाइटली बिल्कुल मिल्क ऐड कर दें, ओके, ऐड करने के बाद वो एक इसको आप मिक्सचर बनाओगे तो पेस्ट की एक सूरत आ जाएगा, सभी बेहतरीन स्क्रब है, बेहतरीन स्क्रब है, फेस पे अप्लाई करें उसके बाद अच्छे से लाइटली, अच्छा रगड़ना नहीं है, हम लोगों का अलमिया ये है कोई भी चीज़ मिल जाए चाहे वो सोप हो ठीक है, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो कोई क्रीम हो, हम लोगों के हाथ क्रीम लेके बस सोच रहे होते हैं कि आज ही सारा गोरा हो जाना है, मतलब कल नहीं देखना हमने, उस चीज़ को चेहरे पे लेके रगड़ देते हैं और उसकी वजह से स्किन जो है वो रप्चर कर देते हैं। इसी तरीके से इस पेस्ट को लेके आपने फेस पे लाइटली अप्लाई करना है, पूरे फेस पे, गर्दन पे, नेक पे, हाथों पे, जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना हो, और लाइटली आपने मसाज करना है फिंगर टिप से, हथेली से नहीं करना, और उसके बाद 10 से 15 मिनट इसको अप्लाई करें रहने, उसके बाद टैप वाटर, सिंपल वाटर जो होता है इससे आप वॉश आउट कर दें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी जाते जाते सबसे वन बाय वन एक छोटा छोटा मैसेज आवाम के लिए, हमारी व्यूवर्स के लिए जी, डॉक्टर साहब सबसे पहले आप। मेरा आवाम से पैगाम ये है कि क्योंकि एक सोशल एक्टिवेटर भी होने के नाते और अपने इलाके को बेहतर करने के लिए कि कम से कम किसी पे क्रिटिसाइज करने से पहले हम अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, आए अपने शहर के लिए हम क्या कर रहे हैं। मेरा मैसेज इन्होंने अच्छी तरह सुना, इसका मतलब है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कि किसी भी क्रिटिसाइज करें कि वो ये कर रहा है, वो कचरा रोड पे कर रहा है, वो ये चीज़ें, तो पहले देखें हम क्या कर रहे हैं, आया हम उस चीज़ को फॉलो करें, जब हम राइट है कि हम किसी को पॉइंट आउट करें तो पहले हम अपने आप को खुद ख्याल करें कि हमें क्या करना है। बेहतरीन जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मैं एक वैसे भी सोशल वर्कर हूँ तो मैं काम ही बेसिक दो चीज़ों पे, हेल्थ और एजुकेशन पे। मैं अपने लोगों को यही कहूँगा कि अपनी एजुकेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं उसको करें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। क्या बात है जी, रुक सब। मैं मैसेज के साथ साथ आपकी व्यूवर्स के लिए हैं और अर्श मीडिया के साथ कोलैबोरेट करके आपको एक बहुत अच्छा ऑफर भी दूँगा कि
हेल्दी पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन और अर्श मीडिया केयर ऑफ गुड मॉर्निंग विद सभी एक बहुत अच्छा कैंप लगाते हैं हम लोग मिलके जॉइंट एडवेंचर के ऊपर और उसमें डिफरेंट डिजीज के ऊपर जो है वो स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद होंगे दोनों पीथी से होम्योपैथी के हवाले से भी एलोपैथी के हवाले से भी और स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन वहाँ मौजूद होंगी. उसके अलावा डिफरेंट टेस्ट मेरी तरफ से और डिफरेंट जो हमारे साथ एसोसिएट लैब्स हैं उसकी तरफ से डिफरेंट टेस्ट जिसके अंदर शुगर बीपी और डिफरेंट स्किन के हवाले से डर्मेटोलॉजी के हवाले से अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक का जितना पूरा सेगमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म करेंगे और साथ साथ मेडिसिन फ्री होंगी. और उसके बाद जब पेशेंट फॉलोअप पे आता है आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से तो उसको एक हेल्दी डिस्काउंट मेरा अपना एक हॉस्पिटल मौजूद है शादमान बफर जोन के अंदर वहाँ आपके रेफरेंस से अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको भी बहुत अच्छा एक डिस्काउंट अवेल हो सकता है और बहुत सारी फैसिलिटी कर दीजिएगा डॉक्टर साहब. बहुत शुक्रिया. उनको चेकअप फ्री है बाकी मेडिसिन की ये फीलिंग. लेट्स सी. थैंक यू सो मच आपका. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. जी नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना रहना है मेरे साथ गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ. लेते हैं यहाँ ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ.